दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों, आपके बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके फर्स्ट पेपर के पार्ट ए में पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को हम देखेंगे। तो आपके पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों के वेरी शॉर्ट में, जो 1 नंबर या 1.5 नंबर में सवाल पूछता है, पेपर 1 में सेकेंड ईयर अवध विश्वविद्यालय एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो 5 सालों के पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, बहुत ही खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए तो सबसे पहला भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था 2017 में, प्रशासन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, जितनी मजदूरी उतना ही काम। अगर प्रशासन की 2 विशेषताएं लिखता है 1 नंबर के सवाल में, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे 2-4 विशेषताएं आप लिख दीजिएगा, काम आपका खत्म होगा। लेकिन मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि इनकेस अगर शॉर्ट में पूछता है तो वहां से आपका फायदा होगा और आपने जो पढ़ा है वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो प्रशासन की 2 विशेषताएं आपसे पूछा था। तो मान लीजिए, प्रशासन को हम अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेट से बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की सेवा करना, एक दूसरे व्यक्ति की सेवा करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया। पूछता है 2 विशेषताएं। तो प्रशासन का संबंध क्या है दोस्तों, प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं से। एडमिनिस्ट्रेशन IAS जब बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, वो क्या करते हैं दोस्तों, ये एक सार्वजनिक सेवा है, सार्वजनिक समस्याओं से जूझ हल करते हैं। प्रशासन का संबंध सरकार की नीतियों को लागू करने से है, सरकार ने जो आदेश दे दिया, जो नीतियां बना दी, उसको यहाँ दोस्तों लागू करने से है। और प्रशासन का उद्देश्य निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन का संचालन करना है, निश्चित उद्देश्य सरकारी कार्यों का निर्देशन देना है और संचालन करना है। प्रशासन का उद्देश्य लोक हित होता है, मतलब लोगों की सेवा करना। लोक हित क्या होता है, प्रशासन का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे केवल 2 विशेषताएं पूछी थी। देखिए, सेक्शन ए की बहुत चिंता मत करिएगा, आपको 2 द पॉइंट लिखिएगा, 25 शब्दों में आपको जवाब देना होता है, तो 2 द पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 या 4 केवल विशेषताएं लिख देंगे, काम खत्म। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। दूसरा सवाल दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन का महत्व पूछा था। तो हम शैक्षिक प्रबंधन का महत्व देते हैं। शिक्षा में जो प्रबंध करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, उसकी बात की जाती है। इसका महत्व ये है दोस्तों, शिक्षा की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित तथा निर्मित करने, क्रियान्वित करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन बनाया जाता है। तो ये इसका महत्व हो गया। शिक्षा में अस्थायित्व और निश्चितता लाना, शिक्षा के कार्यों में कुशलता, सुगमता, सरलता उत्पन्न करना, शिक्षा पर नियंत्रण रखना, पर्यवेक्षण करना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन का महत्व हो गया। अगला सवाल दोस्तों, अच्छे पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का गुण। पर्यवेक्षक का मतलब सुपरवाइजर, जिनो कभी कभी आपके स्कूल में इंस्पेक्शन करने आते हैं, सुपरवाइजर जो जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं वो कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, तो इसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। एक अच्छे पर्यवेक्षक का गुण ये होता है कि उसको तकनीकी का ज्ञान हो, संवाद करने की क्षमता हो, मतलब बातचीत करने में वो अच्छा हो, सुनने की क्षमता हो, मतलब लोग जो बोल रहे हैं उनको भी सुनने की क्षमता हो, उसको याद जल्दी से हो जाए या चीज़ों को जल्दी से समझ ले, तीव्र मेमोरी हो, सहकारिता को सुरक्षित करने की क्षमता हो, क्रमबद्ध सोच हो, सिस्टमेटिक सोच हो। तो ये प्रेक्षण के गुण है दोस्तों, जिसको हमने 6 पॉइंट लिख दिया, इतना आपका काफ़ी है। अब एक सवाल पूछता है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। तो आपको इतने सारे पॉइंट नहीं लिखना है, कोई 3 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है दोस्तों, सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य इसको छोड़ दीजिए, बस यूँ समझ लीजिए, पर्यावरण की जानकारी रखना, पर्यावरण में आने वाले खतरों को समझना, पर्यावरण की शिक्षा सबको देना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और पर्यावरण के प्रति सबको सचेत करना, ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया। बस काम खत्म, आप यही लिख दीजिएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूँ कुछ और पॉइंट को, बाकी इतना काफ़ी है। पर्यावरण शिक्षा के सामान्य उद्देश्य दोस्तों, पर्यावरण के महत्व को जानना, जन सामान्य तक पहुँचाना, जिससे उनकी जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा उत्पन्न हो। जन साधारण तक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है यह है कि उनको पर्यावरण शिक्षा के बारे में जानकारी देना, पर्यावरण के प्रति प्रदत्त उपहारों की जानकारी करना, पर्यावरण समस्याओं की जानकारी देना, पर्यावरण का संरक्षण प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है। कहने का मतलब है पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, पर्यावरण के प्रदूषित होने से आने वाले खतरे को जानना, ये सारी चीज़ें क्या है इसका उद्देश्य हो गए। कोई 2 या 4 आप आराम से लिख सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा भी पूछा था कि स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या होता है। भाई स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ होता है, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना। तो स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जन साधारण को ऐसे ज्ञान आदतों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है
जिससे स्वस्थ रह सके सब मनुष्य स्वस्थ रह सके। इसी तरह से लिखना है, स्वस्थ शिक्षा से जन साधारण जीवन बदलती है, बदलती हुई अवस्थाओं में स्वस्थ रहकर समस्याओं का धैर्य से सामना करना सिखाता है। ये हो गई बात स्वास्थ्य शिक्षा की। स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करने, इन आवश्यकताओं से मेल खाती उचित व्यवहार को सुझाने की दी जाती है। मतलब आपके स्वास्थ्य संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी, स्वास्थ्य संबंधित आपको शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की आपको शिक्षा दी जाने वाली शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इस तरीके से आप लिखते हुए चलिए। योग का क्या महत्व है भाई? योग खुशी जीवन जीने की कला है। योग योग करने से क्या फायदे होते हैं दोस्तों? मन को शांति मिलती है, तनाव मुक्त होता है, शरीर की थकान मिटती है, रोग कमी होते हैं, वजन पे काबू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉइंट आपसे पूछता है, योग का महत्व क्या है, आपके जीवन में योग का क्या महत्व है, इसको आप लिख सकते हैं। योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार के शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। तो ये सारी चीजें योग का महत्व लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं। इससे ये भी फायदा हो जाएगा कि आपको ये समझ आ जाएगा किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। स्वच्छता का क्या अर्थ है भाई? साफ सफाई का क्या अर्थ है भाई? इसके बारे में लिखिए। देखिए, साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह हमारे जीवन की प्राथमिकता है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। बस स्वच्छता का अर्थ है सफाई में रहने की आदत। सफाई से रहने में से जहां शरीर स्वच्छ रहता है, वहीं स्वच्छ तन और मन दोनों खुशी रहते हैं। स्वच्छता सभी को स्वच्छता क्या भाई? जहां स्वच्छता रहेगा, स्वच्छ शरीर रहेगा, स्वच्छ मन रहेगा, वहीं तो परमात्मा का निवास होता है। तो स्वच्छता क्या भाई? साफ सफाई। इसको अपने शब्दों में ऐसे लिख लेना है। शिक्षा मंत्रालय के कार्य, देखिए इतने कार्य नहीं लिखने, आपको थोड़े से कार्य लिखने, दो चार पॉइंट। शिक्षा मंत्रालय क्या? नई शिक्षा नीति लागू करना, नए नए शिक्षा के बारे में रिसर्च कराना, शोध कराना, जो भी शिक्षा की परेशानियों से दूर करना, चाहे स्कूल ना हो स्कूल खोलना, शिक्षक की नियुक्ति करना, शिक्षक भर्ती लेके आना, तो ये सारे शिक्षा मंत्रालय के कार्य हैं दोस्तों। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना लागू करना, देश की शिक्षा संबंधित कार्य योजना लागू करना, और देश की शिक्षा संबंधित नीतियों का निर्धारण करना, देश की शिक्षा संबंधित नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन करना एवं मॉनिटरिंग करना, देखना समझना, ये सारे पॉइंट है। पार्ट ए में पूछता है तो तीन चार ही पॉइंट लिखना है आपको, मैंने यहाँ पे ज्यादा लिख दिया, जो भी आपको चार याद आ जाए लिख दीजिएगा। भारत की शिक्षा प्रणाली में विकास करना, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थाओं का विकास करना, ठीक है, महिला शिक्षा पर ध्यान देना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, शिक्षा ऋण मतलब एजुकेशन लोन देना, ये सारी चीजें शिक्षा मंत्रालय के कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। बात सही है, कोई बात नहीं। प्रधान अध्यापक के तीन गुण लिखिए, प्रिंसिपल के तीन गुण क्या क्या हो सकते हैं भैया? भैया उनकी सबसे पहले अच्छी आदत होनी चाहिए, जीवन उनका शुद्ध होना चाहिए, नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, सहानुभूति की व्यवहार होना चाहिए, चरित्र उनका अच्छा होना चाहिए, आत्मनियंत्रण, कुशल संगठनात्मक, संगठन उसको अच्छे से चला सके, मैनेजमेंट अच्छे से चला सके। तो ये सारे क्या है? क्वालिटी है प्रधान अध्यापक की। अगला सवाल, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के दो कार्य। ये वो सवाल है जो आपसे पूछे गए हैं, तो प्लीज एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा कि कोई कई बार सवाल क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं। चलिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के दो कार्य। पहला, शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्य एकत्र करना और इन तथ्यों के निरीक्षण करने में अपने सुझाव को केंद्रीय प्रशासन के पास भेजना। देखिए, हर एक मंत्रालय में एक सलाहकार मंत्रालय होता है, तो शिक्षा में भी एक सलाहकार मंत्रालय है। वो क्या करता है? सरकार को सलाह देता है। कब सलाह देता है? जैसे शिक्षा को प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्य, मतलब कोई अच्छी नॉलेज हो, तो उसको एकत्र करना और सरकार को सलाह देना कि शिक्षा को आप ऐसे बनाइए। दूसरा दोस्तों, भारत सरकार के किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी शिक्षा संबंधी समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करना। देखिए, जब भी सरकार को कोई नियम बनाना होता है तो अपने सलाहकारों से बैठ के उस पर बात करती है। तो यही दो प्रमुख उसके कार्य हो गए शिक्षा सलाहकार के, पहला तो अपने सुझाव देना और दूसरा कोई भी समस्या है उस पर अपना विचार रखना। चलिए, कहाँ ले जाते हैं अपने व्यूअर्स को? शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, ये भी आपसे सवाल पूछा गया कि शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित करना है आपको, ठीक है। तो मार्क्स और रॉस ने कहा था कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु साधनों की ओर प्रेरित करना, ये शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। विस और रफनर ने कहा था, शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब परिभाषा पूछे तो कोई एक परिभाषा लिख दीजिएगा, अगर आपको एक से ज्यादा याद है तो लिख लीजिएगा, वैसे कोई बहुत मतलब नहीं होता, एक नंबर में एक परिभाषा काफी है। अगला,
शैक्षिक प्रबंधन का महत्व, शिक्षा के जो प्रबंध करने वाले हैं उनका क्या महत्व है, तो शिक्षा की नीति और योजनाओं को निर्धारित तथा निर्मित करना, क्रियान्वित करना, उनका मूल्यांकन करना। ओके, शिक्षा के स्थायित्व को की निश्चितता लाना, शिक्षा के कार्यों में कुशलता, सुगमता, सरलता उत्पन्न करना, मतलब शिक्षा मंत्रालय का ये ना कि शिक्षा अच्छे से चले, आसानी से चले, सुगमता से चले, प्रभावशाली से चले, ये सारी चीज़ें। शिक्षा पर नियंत्रण रखने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए छात्रों के व्यक्तित्व का सर्व विकास करें, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोबारा। ठीक, चलिए संतुलित आहार के बारे में पूछ देता है दोस्तों। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि जो भी पोषक तत्व है ना उनका बैलेंस में, मतलब बराबर मात्रा में लीजिए, ऐसा नहीं कि केवल फैट खाए जा रहे हैं और फैट होते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन और वसा संतुलित रूप में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहा जाता है। इस प्रकार का आहार हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो संतुलित आहार समझ गए आप, ये कई बार सवाल पूछा गया है, इसको समझ जाइएगा। अब योग का महत्व तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, स्वच्छता क्या है ये भी देख चुके हैं। संक्रमक रोग के बारे में देखिए, संक्रमक रोग क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, जो किसी माध्यम से एक इंसान से या एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाते हैं, ठीक है। संक्रमक रोग का तात्पर्य ऐसे रोग से है जो इंसान या जीव, एक इंसान या एक जीव से दूसरे इंसान या दूसरे जीव में फैलते हैं। इस प्रकार के रोग किसी न किसी माध्यम से, जैसे रोगाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, इसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रमक रोग। और मोस्ट अभी जो चला था कोरोना वायरस वो, तो इसके एग्जाम्पल मलेरिया दोस्तों, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रमक रोगों के उदाहरण हैं। समझ में आ गई, बहुत अच्छा। देखिए कैसे सवाल पूछता है, आप लोग खामोखा चिंतित थे, चिंतित नहीं होना है दोस्तों, यू डोंट हैव टू बी वरीड, ओके, बी काम, बी रिलैक्स, पेपर देके आइए, बहुत मस्त पेपर आएगा। कुछ तो सवाल ऐसे हैं कि आपको अपनी समझ से लिखना है, सब अपने समझ से लिखना है, तो इतना चिंतित नहीं होना है। शिक्षा मंत्रालय के कार्य आपने देख लिया, शिक्षा की नीतियां बनाना, नीतियों को लागू करना, निर्धारण करना, छात्रवृत्ति देना, ये सारी चीजें शिक्षा मंत्रालय के कार्य हो गए। समय सारणी का क्या महत्व है, टाइम टेबल का क्या महत्व है दोस्तों, आपको पहले ये पता चल जाएगा कि विद्यालय के कार्यक्रम कब हैं, कब कौन सी क्लास होने वाली है, निरीक्षण की सुविधा हो जाएगी, कार्य का वितरण, मतलब सबको समान कार्य दे दिए जाएंगे। टाइम टेबल नहीं रहेगा तो किसी एक टीचर पे ज़्यादा कार्य पड़ जाएगा, किसी दूसरे पे कम कार्य पड़ जाएगा। थकान स्थिरता में कमी, बहुत थकान नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि कब किसका पीरियड है। नैतिक गुणों का विकास, समय और श्रम की बचत होगी, ठीक। कार्य कुशलता में वृद्धि, आप जो कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसमें और बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोस्तों समय सारणी का महत्व, टाइम टेबल का महत्व, ओके, बहुत से इसी तरीके से तीन चार पॉइंट लिखते हुए आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि परीक्षा में आपको टाइम भी मैनेज करना है, पेपर भी मैनेज करना है। अब एक नंबर के सवाल में अगर आप बैठ के लिखते चले गए तो आपका समय खत्म हो जाएगा और परीक्षा खराब हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बैटरी लो, मेरा नहीं मोबाइल का। पर्यावरण शिक्षा की क्या उदाहरण है, पर्यावरण शिक्षा का मतलब स्वास्थ्य शिक्षा में देखा, स्वास्थ्य की पढ़ाई, स्वास्थ्य की शिक्षा दी गई। पर्यावरण शिक्षा में क्या कर रहे हैं दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा में सरल अर्थ में वह शिक्षा जो हमें अपने संरक्षण गुणवत्ता, मतलब पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना, यही पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, इससे मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाय उसका संरक्षण करे, यही पर्यावरण शिक्षा का क्या है, अवधारणा है। यही सचेतना हमें पर्यावरण शिक्षा से मिलती है। पर्यावरण शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध करती है और भविष्य में सावधान रहने के लिए मानव को तैयार करती है कि हमें पर्यावरण के प्रति सावधान रहना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण को और बेहतर बनाना है, ठीक है, ओके, चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल, अच्छे पर्यवेक्षण के गुण हमने ऑलरेडी देख चुका है, और अच्छे पर्यवेक्षण के गुण, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सब रिपीटेड है तो मैं क्यों दोबारा बनाऊँ, ठीक है। पोस्ट कार्ड देखिए दोस्तों, पोस्ट कार्ड क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसमें ये प्रमुख सिद्धांत है पोस्ट कार्ड। इसका मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, POSDCRB, पोस्ट कार्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है। हिंदी में दोस्तों नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन या बजटिंग, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों क्या है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत है। सवाल ऐसे ही पूछा था कि पोस्ट कार्ड, बस पोस्ट कार्ड लिखा था तो आप उसको उसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। वास्तव में शैक्षिक प्रशासन करता है क्या है, शिक्षाओं के लिए प्लानिंग बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफ करता है, मतलब कर्मचारियों की हायरिंग करता है, उनको डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, कोऑर्डिनेटर से मतलब समन्वय स्थापित करता है, रिपोर्टिंग करता है और बजटिंग मतलब पैसे की व्यवस्था करता है। तो ये सिंपली आपसे पूछा गया था पोस्ट कार्ड के बारे में। तो पोस्ट कार्ड को आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे उसकी
एक्सप्लेन कर देना है, उसका पूरा फुल फॉर्म लिख देना है। एक नंबर में और भी क्या कर सकते हैं आप, बस एक नंबर में आपको पोस्ट कार्ड कहा है तो इसका फुल फॉर्म लिख देना है, क्योंकि परीक्षा में खुद लिखा रहता है कि आपको 25 अंकों में इसका जवाब देना है। 24वां सवाल, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय समितियों का नाम, ठीक है, एनसीटीई के दोस्तों क्षेत्रीय समितियों के नाम। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु तथा जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। तो बस यही पूछा था, क्षेत्रीय समितियां मुख्यालय दिल्ली में और क्षेत्रीय समितियां क्या हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु तथा जयपुर में है। एक नंबर के लिए बहुत अच्छा। केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत में 45 है, तो आप सबके नाम तो नहीं लिखेंगे, तो जो प्रमुख उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके नाम लिख लीजिए, जिसमें प्रमुख है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, अलाहाबाद विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। तो ये वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में, एक नंबर में 45 नाम तो हम नहीं लिखेंगे ना, तो हमने बस इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, 3-4 भी लिख देंगे तो काफ़ी है। तो बस सवाल यही पूछा था केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम, तो आपने लिख दिया नाम, बहुत अच्छा। समय सारणी का महत्व आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बजट का अर्थ क्या होता है, देखिए बजट का मतलब होता है आपकी आय और व्यय के बारे में रिपोर्ट देना, कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, और अपने खर्चे को कैसे बचाया जा सकता है। तो बजट का शाब्दिक अर्थ होता है कि इसके अन्य अर्थ में बैग होता है, ठीक है। जैसे बजट का शाब्दिक अर्थ व्यापक या आय व्यय से है, क्या है भाई, आय और व्यय से है। इसके अन्य अर्थों में बैग, पोटली या गठरी के नाम से भी जाना जाता है बजट को। प्रारंभ में बजट को थैली या पोटली के नाम से जाना जाता था, किंतु धीरे धीरे यह आय व्यय पत्र के रूप में जाने लगा। इस प्रकार बजट हमारे विभिन्न खर्चों की योजना है, जो हमारी आय को विभिन्न मदों में जैसे खर्च, बचत तथा निवेश आवश्यकताओं को प्रदान, मतलब एक विवरण पत्र है जो हमें ये बताता है कि हमारा बजट, मतलब हमारे कितनी आय हुए, कितने खर्च हुए, इनकम क्या है और आउटकम क्या है, ये सारा एक्सपेंडिचर क्या है, इसकी हमें रिपोर्ट देता है, ये हमारा एक पत्र है जो हमें बताता है। तो बजट का मतलब यही होता है दोस्तों, आपकी आय और व्यय के बारे में विवरण। एक नंबर में आसान से ऐसे समझ के आपको लिख देना, चलिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आपदा प्रबंधन क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। आपदा प्रबंधन क्या है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जैसे भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उनसे लोगों को बचाने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्रमुख नाम जैसे आपने सुना होगा NDRF की टीम, या फिर आपने सुना होगा NDMA की टीम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो NDRF ये लोग क्या है दोस्तों, आपदा प्रबंधक है जो आपदा आने पे बचाते हैं। आपदा प्रबंधन एक प्रकार की क्रिया है जो हमें अचानक होने वाली आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि सामने संगठित होते हैं। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा, संपत्ति का संरक्षण, जीवन धारण का सम्मान एवं अन्य सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का संरक्षण करना है। देखिए जो आपदा प्रबंधक है वो आपकी आपदाओं को रोक नहीं सकते, जैसे मान लीजिए भूकंप आने वाला है तो वो भूकंप को रोकेंगे, लेकिन उसके खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनको पहले से पता चल गया कि ये बाढ़ इलाका क्षेत्र है, वहां से लोगों को हटा लेंगे, बाढ़ आने के बाद जो फंसे उनको निकाल लेंगे। ये दोस्तों आपदा प्रबंधक के कार्य हो गए। वास्तव में आपसे पूछा था आपदा प्रबंधक क्या है, तो भाई जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके बाद लोगों को संरक्षण करना, बचाना, उनके सामानों का संरक्षण करना, क्षेत्रों का संरक्षण करना, यही उनका कार्य होता है, और इसी प्रक्रिया को आपदा प्रबंधक कहते हैं। एक सवाल और देखिए, मानसिक स्वास्थ्य क्या है भाई, मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य का मतलब कोई व्यक्ति अगर आपके समाज के साथ असमंजस, मतलब रिलेशन कायम कर पा रहा है, एडजस्टमेंट कर पा रहा है, उसका मतलब वो मेंटली स्वास्थ्य हो। जैसे जो मेंटली अनफिट होते हैं, मेंटली अनहेल्थी होते हैं, उसको आप देखेंगे कि समाज कुछ और कर रहा होता है, वो कहीं और कर रहे होते हैं, वो रोड पे सो रहे हैं, इधर गिरे पड़े हैं, मतलब वो लोग क्या है, समाज के साथ वो खुद को स्थापित नहीं कर पा रहे, तो वो कहलाएंगे मेंटल अनहेल्थ। मेंटल हेल्थी का मतलब जो समाज के साथ रह सके। मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक स्थिति है, मतलब मानसिक आपकी स्थिति है जो व्यक्ति की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाती है, संपूर्ण आपकी क्रिया को दर्शाएगी। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, जब व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से हम स्वस्थ समझते हैं। कोई भी मेंटल आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप मेंटली हेल्दी हैं, और उसकी अवस्था को मानसिक अवस्था की संज्ञा दी जाती है। ओके, मैं तो भाई मेंटली हेल्दी हूँ, बाकी आपका पता है। चलिए, के मॉर्निंग के शब्दों में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य
मनुष्य के आपस में तथा मानव जगत के साथ समायोजन है। जो लोग मानव जगत के साथ समायोजन कर पा रहे हैं वो क्या है भाई, मेंटली हेल्थी हैं। जो नहीं कर पा रहे वो अनहेल्थी। एक सवाल आपसे पूछ दिया था UNICEF। देखिए जब इस तरीके से आपसे सवाल पूछ दे UNICEF, NCET, NCERT, तो अगर कुछ नहीं पता तो बस उसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। देखिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये क्या हुआ था दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने एक चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड लगाया है। पूरे देश में कहीं भी किसी बच्चों के ऊपर अगर कोई आपदा आती है तो वो इसकी मदद करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बनाया गया। जिन बच्चों का जीवन युद्ध से बर्बाद हो गया था, या फिर जिन बच्चों या किशोरों के जीवन और भविष्य में जोखिम थे, जो अनाथ थे, या फिर जिनके परिवार का कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उनके अधिकारों के रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ की स्थापना की गई, जिससे इन बच्चों या किशोरों के अच्छे भविष्य निर्माण किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र का यह कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा सामान्य कल्याण सुधार पर केंद्रित है। तो यह है दोस्तों यूनिसेफ की, यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई थी, मतलब इमरजेंसी में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए देखभाल करने के लिए। आई थिंक यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने उनको कई बार देखा यूनिसेफ के सम्मेलन में, कई बार बच्चों के साथ ऐसे काम करते हुए। तो आई थिंक यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है। तो यूनिसेफ का मतलब दोस्तों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है बच्चों को लेकर, तो ये यूनिसेफ क्या करता है, मदद करता है। अगला सवाल, WHO क्या है भाई? WHO का नाम आपने बहुत सुना होगा, कोविड के दौरान हर बार ये आंकड़े देती थी कितने कोविड के केसेस आए, इतने क्या हुए। तो वो WHO क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व के देशों के हेल्थ संबंधित समस्याओं पे आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। मतलब पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी रख करना, इकट्ठा करना, कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो मदद करना, ये सारा काम किसका है दोस्तों, WHO का है। WHO यही दोस्तों, जब वैक्सीन आई थी तो WHO क्या करता था, उसकी स्वीकृति देता था कि हाँ चलिए ये पूरे विश्व में आप इसकी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो WHO क्या है, पूरे पूरे विश्व के लिए हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से रेड क्रॉस क्या है दोस्तों, रेड क्रॉस क्या है, युद्ध में जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध हो गया तो युद्ध में घायल हुए सैनिकों के उपचार के लिए ये बनाई गई व्यवस्था है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना है, किसी भी युद्ध या कठिनाई में लोगों की सहायता करना है। हेनरी ड्यूनेट ने यह रेड क्रॉस की शुरुआत करी थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1807 स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई थी। तो ये वो सवाल है जो आपसे पूछे गए। तो रेड क्रॉस का मतलब हुआ, रेड क्रॉस का मतलब हुआ कि युद्ध में घायल सैनिकों के मदद के लिए या फिर घायल व्यक्तियों के लिए मदद के लिए ये एक संगठन है जो काम करती है। ICDS का मतलब दोस्तों इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विस, मतलब दोस्तों एकीकृत बाल विकास योजना। यह एक द्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करना है। मतलब इस तरीके के बच्चों के हेल्प के लिए ये बनाई गई एक संगठन है, इसको कहते हैं ICDS। पूछा गया सवाल है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, ओके। ये सवाल पूछे गए। पोषण की परिभाषा दोस्तों, पोषण क्या है भाई, पोषण एक प्रक्रिया है, हम अपने भोजन से जो प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो हम प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, पोषण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणी उन तत्वों को प्राप्त करता है जिसके द्वारा अपनी वृद्धि या पुनर्निर्माण आदि पूर्ण करता है, उसे पोषण कहते हैं। वह प्रक्रिया दोस्तों, उदाहरण के लिए मनुष्य पोषण के रूप में भोजन खाता है। भोजन द्वारा मनुष्य अपने शरीर की वृद्धि और अन्य क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि प्राप्त होते हैं। अतः कहा जा सकता है प्रत्येक जीव अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पोषण के रूप में विभिन्न तत्वों का ग्रहण करते हैं। यह क्रिया पोषण कहलाती है, यह क्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है। चलिए कुछ और सवाल रह गए, देख लेते हैं दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब भाई जो मेंटल रूप से ठीक हो, तनाव का मतलब जो ओवर थिंकिंग करता हो, ज़्यादा सोचता हो, मेंटली प्रेशर हो, किसी चीज़ के लेके समस्या से मेंटली जूझा हो, तो इसको हम कहते हैं मानसिक तनाव। तो इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर लिखना है, वो आप लिख लीजिए। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा हम ऑलरेडी इस वीडियो में देख चुके हैं, और देखिए कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। बजट का अर्थ भी हम देख लिए हैं, आय और व्यय के बारे में बताना, खर्चा बताना। अगला सवाल आता है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है,
विद्यालय प्रबंधन एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का ऐसी गतिशील संगठन इकाई के रूप में परिवर्तित करना जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु और इस प्रकार कार्य किया जा सके कि प्रबंधन किया जा सके अर्थात छात्र छात्राओं के लिए संतुष्टि प्राप्त। कहने का मतलब दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन का मतलब मानवीय और भौतिक संसाधन, जैसे विद्यालय में मान लीजिए मनुष्य के रूप में शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, भौतिक संसाधन के रूप में किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, ब्लैक बोर्ड है, इन दोनों को इस तरीके से नेतृत्व करना, इस तरीके से चलाना कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ये पूरा कार्य करने का किसका काम है दोस्तों? विद्यालय प्रबंधन का कार्य है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आपके जो भी स्कूल के मैनेजमेंट आते हैं वो लोग आ जाते हैं, ठीक। तो ये इसके प्रमुख कार्य है। तो विद्यालय प्रबंधन क्या है? जो मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन करके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है, ये विद्यालय प्रबंधन हो गया। अपने शब्द में लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रट के लिखना है या किताबी भाषा लिखना है। कहाँ से आएगा किताबी भाषा, कहाँ से आएगा बताइए ना। अगर मुझे भी बैठ के एग्ज़ाम देना हो तो मैं लिख ही नहीं पाऊँगा ये सारी चीज़ें, एक शब्द याद नहीं आएगा, लेकिन मैं जिस शब्दों को बना पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, वो मैं लिख पाऊँगा। और आप भी कोशिश करिएगा इस तरीके का आप शब्द बना रहे। बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। कुछ और पॉइंट याद रख लीजिएगा जो पूछ लेता है। UGC के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, चेयरमैन ऑफ UGC मामेदिला जगदीश कुमार, ये JNU के वाइस चांसलर हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो JNU के वाइस चांसलर हैं और UGC के चेयरमैन भी हैं। कुछ और फुल फॉर्म पूछ देता है, जैसे इग्नू का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब इग्नू, ये कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर इनके चेयरमैन के बारे में पूछे तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, अगर इसके बारे में चेयरमैन पूछे तो योगेश सिंह जी हैं, चेयरपर्सन ऑफ NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये हो गई प्रमुख बातें, यहीं पे हम क्या करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों ये वो सवाल थे, जो आपके 2017 से लेके 2022 तक पूछे गए थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो रिपीट हुए थे, दो तीन ऐसे सवाल थे जो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, हालांकि उसको मैं समझ के उसको एक्सप्लेन करके देख लिया जाएगा। तो आपके बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसके सेक्शन ए में जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए थे आपने यहाँ पे देख लिया। एक बार और बस इसको देखते हुए चलिएगा, बस ये समझिएगा कि हमको इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये टू द पॉइंट ये जो दिए गए हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, आपको जो समझ में आया वो लिखिएगा। आपका परीक्षा का उत्तर पत्र है और आपका आंसर होना चाहिए, आपके अपने शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि बीएड में दोस्तों कोई रट के नहीं लिख पाएगा। आप चाहे लाख पढ़ लीजिए, लाख परिभाषा याद कर लीजिए, लाख कुछ भी याद कर लीजिए, एग्ज़ाम जब सेंटर में बैठेंगे तो वो भूल जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि हम समझ गए ये चीज़ें हैं और हम शब्द बना सकते हैं, मतलब वाक्य बनाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। लिख के आइएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और ये आपकी कमी नहीं, अगर आपको लगता है कि सर हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं भूलते जा रहे हैं, तो ये आपकी कमी नहीं, ये सबके साथ होता है, कोई याद कर ही नहीं पाएगा बाबू। आप समझ जाइए, इतनी तो क्षमता है ना, इतनी तो योग्यता है कि इसके बारे में आप कुछ ना कुछ लिख देंगे। अगर आप फिर से रिपीट करने को बोलेंगे तो क्या आप देखिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय बजट, विद्यालय प्रबंध लिख लेंगे ना। जब लिख लेंगे तो फिर क्या ही चिंता, बात खत्म। जब लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ यही है, लिख लेंगे, बस इतना हमें तसल्ली है। और लिख के आ जाइएगा, नंबर सही मिलेगा, नंबर में कमी नहीं होगी, इसका मेरा वादा है आपसे। तो बस इसी वादों के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस आएंगी वो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़रा मेरे मोटिवेशन, ज़रा मुझे मेरी मेहनत को सराहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए एक प्रॉमिस करिए आप कि आप अन्य लोगों तक शेयर करेंगे और कम से कम सभी लोग 10-10 सब्सक्राइबर दिलाएंगे। दिला सकते हैं आप, कॉलेज ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।